नमस्कार जी, मैं हूँ धर्म सोनीपत। लोक शक्ति मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों को मेरा हाजुर राम राम। फिलहाल पहुंचे हैं बहादुरगढ़ की नंदी गौशाला के अंदर में, जो मेरे पीछे देखो गौशाला भी देख रहे हैं। और यहाँ आज एक छोटा सा यज्ञ कराया है, और यज्ञ कराने वाले कौन हैं? एक महान चेहरा है जो काफ़ी सुर्खियों में है, राकेश मलिक, जो खरखोदा हल्के से अठगामा गौशाला सैदपुर के आगे गौ माता की सेवा करते हैं, और घेवर के कारोबार से काफ़ी बड़ी मात्रा में ट्रस्ट दिया बार बार से। पिछली वीडियो में आप लोगों ने देखा हुआ कि लगभग 50 से 60 लाख के आसपास इन्होंने ट्रस्ट राशि अकाउंट कराई थी, लेकिन आज यहाँ पहुँचे हैं नंदी गौशाला बहादुरगढ़ में। आज फिर पूछे इनसे कि आज क्या कुछ नीति लेके आए हैं, क्या कुछ दान लेके आए हैं। भाई साहब नमस्कार जी। नमस्कार, आप लोगों इतना सहयोग दो समय पर। आज यहाँ गौशाला पहुँचे हैं, क्या कुछ गौ माता के लिए लेके आए हैं? क्या गौ माता क्या कुछ देगा आशीर्वाद लेने के लिए आए आप? सबसे पहले तो गौ माता की जय। और जो हमारे साथ बड़े भाई है, ये कमेटी है आज नंदी गौशाला और पीड़ित गौशाला की, तो ये उनके चार अपने गौशाला है, ब्रांच है जो पीड़ित गौशाला, उसमें अनेक अनेक प्रकार के पशु भी होते हैं, पक्षी भी होते हैं, तो उनकी अच्छे से केयर करते हैं, ध्यान करते हैं। तो हम यहाँ से पिछले 1.5 साल से यहाँ पे मिठाई का कार्य कर रहे हैं, घेवर का काम, और उसमें हमने पिछले 1.5 साल से 21 लाख रुपए के लगभग डोनेशन दे दिया है। और वो आज हमने आपके इस साल 17 लाख रुपए दिया है, पिछले साल 3,33,333 दिया था, और इस साल 17 लाख का है। इस बार 17 लाख का हमने पूर्णतः सहयोग दिया है। तो भाई साहब को हम दे रहे हैं, बिल्कुल। तो ये प्रेरणादायक चीज है, और हम श्री राजीव दीक्षित ब्रह्मचारी गौ सेवा संस्था से सारी सेवा करते हैं। तो अभी ये पूर्णतः हो गया हमारा कार्य, और जो बचत थी वो हमने 17 लाख रुपए इस साल गौशाला में दान दिए। बहुत बढ़िया। आज परम पिता परमात्मा से कामना करेंगे कि इन जैसे सेवाकार भी और दानी सज्जन, उनका होना गौ माता के लिए बहुत जरूरी है। और एक दो बात, यहाँ चेयरमैन साहब हैं और कमेटी के भी मुख्य मेंबर हैं, इनसे बातचीत करना चाहेंगे। तो चेयरमैन साहब नमस्कार जी। नमस्कार सभी को, नमस्कार, जय गौ माता की। साहब बड़ी ही खुशी की बात है कि राजीव दीक्षित सेवा ट्रस्ट के साथी यहाँ आए हैं जी, जी। और अपनी नेक जो कमाई है ये बहुत ही शुद्ध और घेवर का शुद्धता से काम करते हैं, और जो भी बचत आती है गो शालाओं में दान देते हैं। तो हम इनका, इनके हृदय से, दिल की गहराइयों से इनका धन्यवाद करती है पूरी गोधन सेवा समिति, और कामना करती है प्रभु से कि ये इसी तरह इनके विचार सात्विक समाज भी अपनाए, देखें कि इतने अच्छे काम आज ये कर रहे हैं। हम इनका कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं जी। थैंक यू सर। थोड़ा आगे कैमरे की तरफ हो जाओगे। नमस्कार सर जी। नमस्कार भाई साहब। अपना शुभ नाम सर जी, जनता को बता दो। मेरा नाम विजेंद्र राठी है, यहाँ दो दिन सेवा समिति में हम वही जुड़े हुए सभी साथी हैं जी जी। तो यहाँ जो हमारे राकेश मलिक जी हैं जी जी, ये हमें पिछले 1.5 साल पहले हमें इनसे मुलाकात हुई थी जी जी। ये हमारे पास आए थे एक जखोदा केंद्र पे, कि हम ऐसे ऐसे शहदपुर में और एक दो जगह ये ऐसे घेवर बनाते हैं, और हम आपकी समिति गौशाला के बारे में हमारे घेवर की सेवा देना चाहते हैं। तो हमें इन्होंने इनका बाएँ खोल कर इनका स्वागत किया, और इन्होंने कहा था कि जो बचत होगी वो सारी हम आधी गौशालाओं में देख लेंगे, और मुझे लगता है कि इन्होंने आधी नहीं, आधी से कुछ ज्यादा ही गौशालाओं में दान दी है। और स्कूल के बच्चे भी और भी बेटियां भी काफी आगे बढ़े हैं इस चीज को लेकर। हाँ बिल्कुल जी, और मैंने कई बार इनका फेसबुक पे देखा है, ये गाली गौशालाओं में नहीं, जैसे स्कूलों में इन्वर्टर साइकिल स्कूलों में इन्वर्टर लगवाए हैं, कुछ पुस्तकें भी इन्होंने दी है, और जैसे स्कूलों में भाई साइकिलें बच्चियों को, गरीब कन्याओं को इन्होंने काफी। बात और पूछना चाहूंगा मैं, हमने गौशाला विजिट करी है अंदर से, काफी जख्मी गौशाला गौ माताएं हैं, इंजर्ड है, कोई कुत्ते ने काट लिया, कोई टक्कर लग रही है व्हीकल की, उनका ट्रीटमेंट हो रहा है, हमारे चेयरमैन साहब ने बताई है, एक छोटी क्लिक अंदर की भी है। क्या सही चीजें जो ट्रस्ट आ रहा है इन गौ माता के लिए, ट्रीटमेंट के लिए, चारे के लिए काम आ रहा है पैसा? भाई साहब हमारा कोई ये है, हमारा पहले दे है, हमारे बैंक खातों में पैसे हो ना हो, लेकिन गौ माता का ट्रीटमेंट अच्छा हो जाए। और हम खाली गौ माता का ही नहीं, हमारा एक केंद्र और है बालीगढ़ केंद्र पे, हम बंदर, कुत्ता, बिल्ली, कोई भी वन्य जीव है, कोई भी है, हम सभी का जो पीड़ित बेसहारा है उनका सभी का इलाज करते हैं, और इलाज करके जहाँ
जो जिस स्थान से लेके आया जाता है उस स्थान पर हम फिर उनको छोड़ देते। आज भाई राकेश मलिक जो है अपनी पूरी मंडली के साथ में इनकी टीम का एक हिस्सा जाखोदा सेवा करते हैं गौ माता के दवा द्वार पर, और एक दूसरी ब्रांच है बादली में भी हमारे श्याम सुंदर जी वहां भी सेवा करके जो काफी बड़े भारी मात्रा में ट्रस्ट लेकर गौ सेवा में साबित होते हैं, और पूरी टीम है और भी कई साथी इनके साथ में। आज मैं परमपिता परमात्मा से कामना करूंगा कि इन जैसे दानी सज्जन और गौ माता की सेवा करने वाले इनका होना बहुत जरूरी है। जन जन के मुंह बंधे हुए हैं कि ऐसे आदमी जो है इनकी लोगों की एक एक दिन की उम्र भी अगर इनको लग जाएगी तो काफी बेटियों को भी और गौ माता को भी राहत मिलेगी। तो मैं परमपिता परमात्मा से कामना करूंगा कि इनके कारोबार भी और एज भी दिन दोगुनी रात चौगुनी हो, और आप लोग भी इसको ज्यादा मात्रा में शेयर करते रहना, क्योंकि आज गौ माता का हमारे सनातन धर्म में एक इससे अच्छा प्लेटफॉर्म और कोई नहीं है सेवा करने का। तो जी राकेश मलिक भाई सब ठीक है? बहुत अच्छी बात कह रहे हो आप, और गौ माता तो हमारा प्राथमिक सेवा भाव है और हमारे सनातन धर्म में प्रथम यही है, गौ माता ही है, और इससे ही सारा हमारा परिवार चलता था पहले। अब तो जैसे समय समय बदलता जा रहा तो दूर होती जा रही है ये हमारी कमियों से ही होती जा रही है। तो हम यही चाहेंगे कि भाई सब जिसके पास जगह है तो वो एक देसी गौ माता जरूर रखे, और देसी गौ माता रख कर उसका पालन करे, बहुत फायदा होगा शरीर को भी। आजकल देख रहे हो आप डॉक्टरों को कितना पैसा दे रहे दुनिया, तो बहुत जरूरी है देसी गौ माता अपने घर में रखना, उसकी सेवा करना, यही हमारा प्रथम कर्तव्य है। एक दो बार रात को विजिट करा हमने, एक एक डेढ़ बजे भी आपके पास में स्वास्थ्य भी घट रहा था, सेवा करते हुए दिन में भी काम कर रहे और रात को भी दुकानदारी चल रही है गौ माता के लिए। अब स्वास्थ्य आप लोगों का कैसा, जनता जानना चाहती है? नहीं स्वास्थ्य ठीक है, गौ माता की शक्ति मिलती है तो इसलिए युवा सारे काम कर रहे हैं, इतना इतना दान दे रहे हैं, तो ये सारी टीम है, टीम लग के सारा हम काम कर रहे हैं। टीम में सारे युवा बालक है हमारे, मित्र है, भाई है, बंधु है, तो उनको और उनके भी आप विचार ले सको यारे सारे, तो पूछो इनको। नमस्कार जी भाई साहब। नमस्कार, हम तो वाकिफ है आपसे, जनता को बता दो एक बार कि कौन सी जगह बैठे हैं आप लोग? जाखोदा गौशाला। आज आपकी टीम का हिस्सा कहे, आपके बड़े भाई कहे, छोटे कहे, कैसा लगता है जी? बहुत अच्छा जी। और इन्हीं की दूसरी कड़ी और है श्याम सुंदर जी, जो इनके रिलेटिव कहे या मंडली के हिस्सेदार कहे, इनकी भी एक दो बात लेंगे। नमस्कार जी भाई, सभी दर्शकों को श्याम सुंदर का जी। और बोलो कैसा लगता है साहब? भाई बहुत बढ़िया, अहम कड़ी में जुड़ के भाई बहुत बढ़िया लगा है। राकेश ने शुरू में ये लगा था, मतलब ये स्टॉल लगा ना भाई गवा के, तो मतलब प्रदेश की निष्ठा थी, निष्ठा तो मतलब सब किया रखा भी हो, लेकिन वितरण मंत्र भी विक्र कर रखा हो ना। ये 3 साल में 60 लाख रुपया हमने दान कर लिया जी जी, ठीक है। दूसरा भाई बार हमने मतलब 17 लाख रुपये साल में दिए हैं जी, और भाई 4 लाख रुपये दिए थे मतलब बगैर उसके जी, ठीक है। कुल मिला 60 लाख रुपये 3-4 साल में दे उतारो। ये समाज का एक अच्छा संदेश है जो हम भेज रहे हैं, सारे युवा बालक रोजगार पर सब आ रहे हैं जी। पहला सरकारी नौकरी के पीछे भाग रहे थे, लेकिन अब सब ने पता लग गया भाई मिठाई भी बेच के अच्छा काम कर सके, समाज की सेवा कर सके, तो ये अच्छा प्लेटफॉर्म मिला, अच्छा एक स्टैंड मिला। ये सारा भाई राजीव दीक्षित के विचारों से और उनके जो सोच थी और जो उनके दिल की हृदय की जो गहराई में वो चाहते थे, वही हम धीरे धीरे उत्तर भारत में फैला रहे हैं भाई, देसी घी में, खांड में मिठाइयाँ, और आजकल युवाओं को पता भी लगने लग गया भाई खांड भी क्या होती है ना, पता नहीं था। तो ये अच्छा संदेश है और मैं चाहूंगा कि भाई सब इस मुहिम में चलावे, मैं तो बोलूंगा गाँव चलावे और सबको शुद्ध मिले मिलकर चलावे। शहर के पीछे क्यों भाज रहे हो आप, गाँव में चलाओ भाई, ज्यादा भी आपने मौका मिला उठे चलाओ और इस मुहिम को आगे बढ़ाओ जी। थैंक यू। तो आप लोग इसको ज्यादा मात्रा में शेयर भी करना, आपका शेयर करते हैं यहाँ नंदी गौशाला भादरगढ़ में। ये सारी जख्मी और एंजल गौ माताएं हैं, इनका ट्रीटमेंट हो रहा है, किसी को खाना खिला रहे हैं तो किसी का मेडिसिन हो रहा है। तो एक मिनट के लिए मैं बात करना चाहूँगा, हमारे चेयरमैन साहब हैं। चेयरमैन साहब नमस्कार जी। नमस्कार, सभी साथियों को, गौ भक्तों को नमस्कार करते हैं। ये जो गौ माता है यहाँ किस किस हालत में है जी, देख रहे हैं जो आप देख रहे हो, आज गौ माता सबसे ज़्यादा पीड़ित हैं जी। और ये गोधन सेवा समिति जो भादुर शहर में 4 के अंदर चलाए हुए हैं जी जी, बरसात का मौसम है, रोजाना बहुत ज़्यादा केस आ रहे हैं। अभी हमारे पास लगभग अभी 70 केस हैं एक्सीडेंट केस हैं जो देखे हुए हैं जी जी जी। बाकी परली बाड़ी में सारे पैर से लाचार टूटे हुए 100-125 केस, उसमें 200 केस मारे इंजर्ड हैं जी जी इसके अंदर में जी जी। और 500 नंदी मारे परली तरफ जो
स्वस्थ हैं वे। तो साथियों गोवंश की यहाँ सेवा हो रही है जी जी, और रेगुलर रोजाना कहीं जो भी एक्सीडेंट होता है कहीं से कॉल आती है जो यहाँ आती है। दो हमारी एम्बुलेंस है, दो बड़ी हैं, दो छोटी, चार एम्बुलेंस जी जी 24 घंटे काम कर रही है जी। आज ये देख रहे हैं तमाम केसेज जो है गौ माता के, इनके लिए मैं साथ में यहाँ गौ माता का गौशाला का ही बारकोड लगा दूंगा। जो भी कोई दानी सज्जन यहाँ पे करना चाहे, गौ माता का आशीर्वाद लेना चाहे इनके ट्रीटमेंट के लिए या चारे के लिए, तो इस बारकोड पे गौशाला का ही है, इस पे आप लोग ट्रस्ट में 4 पैसे जो मन चाहे वो दे सकते हैं। ठीक है ना चेयरमैन साहब? ये कुछ ने खाया था आप देख रहे हो जी जी, आप छोड़ देते हैं ये हम 4 बजे सुबह ले आए हैं इसको जी, कुत्ते नोच लिया ये माराना रोड फ्लाई ओवर के नीचे है ये जी जी जी, इसका सारा बुरा हाल कर रखा था जी, और बहुत ज़्यादा दर्द है इसको, पीड़ा है जी, इसी तरह ये एक्सीडेंटल है रोडों पे गाड़ियों से जी जी, वो ट्रेन से है, गाय माता की पीपड़ हुई है पैर में, बहुत ज़्यादा दर्द है इसको। तो जो भी कोई दानी सज्जन सेवा करना चाहे दूर बैठे भी, तो ये साथ में जो बारकोड चल रहा है ये यहाँ गौशाला का ही है, और उसको ज़्यादा मात्रा में शेयर भी करना, शेयर करना भी एक पुण्य काम है, और को दानी सदन सामने आएगा तो 4 पैसे गौ माता के शरण में आएंगे और आपका जो है आपको आशीर्वाद देंगे यहाँ बैठे बैठे जी। नमस्कार जी, नमस्कार।